बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार सा चिकन पालक की रेसिपी। बहुत ऐसी और बहुत मजे की। चलिए इसके इंग्रीडियंट्स नोट करते हैं, इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो कम्प्लीट वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसके अलावा व्यूअर्स, जो आप लोग नए हैं, जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अपने प्यारे खूबसूरत हाथों से व्यूअर्स, और अच्छे खूबसूरत कमेंट्स दीजिएगा, थैंक यू सो मच। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी को कुक करने का तरीका नोट डाउन करते हैं और उसमें जो मसाले डालेंगे, किस मकदार में डालेंगे वो सब हम जान लेते हैं। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम फ्लेम पे रखेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह, फ्लेम को व्यूअर्स मैंने ऑन कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हम ऑन करेंगे और अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ऑयल, तकरीबन दो बड़े खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें दो अदद प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। इस पर मैंने इसमें दो अदद अनियन बारीक चॉप करके शामिल कर देनी है। बर्तन को अच्छे से साफ करते हुए इसको हमने अच्छा सा ब्राउन कलर कर देना है अनियन का। इस टाइम पे प्याज हमारी हल्की सी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट प्याज में इसमें दो अदर टमाटर को शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास दो अदर टमाटर है, बस इनको हमने ऐसे चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही व्यूअर्स मैं इसमें इस टाइम पे चिकन भी डाल दूंगी। ये व्यूअर्स हाफ के जी करीब मेरे पास चिकन है और मैं इसमें शामिल कर दूंगा। प्याज टमाटर के साथ हमने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छा से इसमें मिक्स हो जाए। इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगी। हमें डालना है हाफ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाल देना है, अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। वन टीस्पून हमने डाला है चिली फ्लेक्स को, वन टीस्पून हम इसमें रेड चिली डालेंगे, हाफ टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा उसको मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे इस टाइम पे ताकि ये मसाले हमारे आपस में गले ना। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे इसमें जो फ्लेम को स्लो रखेंगे। इस पॉइंट पे व्यूअर्स मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी वन टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। यहाँ पे हम डालेंगे लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, अगर आपके पास लहसुन फ्रेश है तो आप उसका भी पेस्ट डाल सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें अच्छे से शामिल कर लिया क्योंकि हम बना रहे हैं मजेदार सा चिकन पालक का सालन, बहुत ही टेस्टी और बहुत मजेदार सा तैयार होने वाला है। तो व्यूअर्स, पालक को मैंने काट कर अच्छे से धोकर रख लिया है। तकरीबन दो गड्डियां मैंने ले ली थी पालक की, जिसको मैंने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया क्योंकि पालक में बहुत सारी कीचड़ होती है। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा, बुरा स्किप किए तो ही आपकी भी रेसिपी मजेदार सी तैयार होगी इंशाल्लाह। इस तरह ये तीन अदद हरी मिर्चे हैं वो उसमें हम शामिल कर लेंगे। इनको हमें दरमियान से ऐसे कट करना है क्योंकि जब मसाले में जाती है तो व्यूअर्स ये हरी मिर्च चिटक जाती है, यानी कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ये फटती है, तो इसलिए हम इसको दरमियान से कट लगा देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च जरूर डालें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है व्यूअर्स तो मैं इसमें जरूर शामिल करूंगी।
एक पॉइंट व्यूवर्स मैं इसमें पालक भी ऐड कर दूंगी क्योंकि मसाला काफी हद तक हम लोग अच्छा से बन चुका है। ये व्यूवर्स मैंने पालक को दो गड़ी लेकर अच्छे से धोकर इसको खुश कर लिया मैंने और पानी से अच्छे से इसको मैंने निकाल लिया क्योंकि इसमें से रेत मिट्टी किरकल अच्छे से निकल गई। दो बार पानी से अच्छे से धो लेना इसको। सारा पालक मैंने अच्छे से शामिल कर देना है इस मसाले में क्योंकि हम बना रहे हैं पालक चिकन का सालन बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त था। तो मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कि मेरी तमाम रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं टेस्टी और मजेदार थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच व्यूअर्स अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का और मेरी कम्प्लीट वीडियो को वॉच करने का। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और कभी भी याद रखिएगा मेहनत कभी भी जाया नहीं होती है, जब हम मेहनत से लगन से काम करते हैं तो उसका अजर हमें अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है सेंटर व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती क्या खूबसूरत स्मेल है। आप बनाएंगे तो आपको भी स्मेल अच्छी आएगी, इसी तरह अगर आप सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी भी जबरदस्त रेसिपी तैयार होगी। इस सेंटर फिर मैं कवर करूंगी इसे मजीद एक मिनट और कुक करने के लिए। स्लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। व्यूअर्स का कवर हटा के दिखाते हैं आपको, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पालक इस समय बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स बेहतरीन सा ये सारा ऑयल भी सेपरेट हो गया और पानी सारा पालक का अच्छे से खुश हो गया। इस टाइम पे बहुत ही टेस्टी और मजेदार सा हमारा पालक चिकन का सारा इस टाइम पे कम्प्लीट तैयार है। व्यूअर्स फ्लेम को करेंगे बंद इस टाइम पे। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत और जबरदस्त सा हमारा ये सालन लग रहा है चिकन पालक का और सारा ऑयल देखिए सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे पानी सारा खत्म हो गया। फ्लेम को करते हैं बंद, उसको अच्छे से हम उसको शिफ्ट करके दिखाते हैं, डिश आउट करते हैं। मजेदार सा पालक चिकन का सालन तैयार हो चुका है। ये जी व्यूअर्स अब हम मजेदार सा पालक चिकन का सालन को अच्छे से सर्व करेंगे प्यारे से डिश में। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त सा हमारा पालक चिकन का सालन इस टाइम पे कम्प्लीट तैयार हो चुका है। इसे चपाती के साथ खाएं, रोटी से खाएं व्यूअर्स। और आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को कम्प्लीट वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का। इसी तरह खूबसूरत अच्छे कमेंट्स देते रहें और मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरी तमाम रेसिपीज आपको कैसी लगी, टेस्टी भी और जबरदस्त भी। कि हमारा पालक चिकन का सालन इस टाइम पे बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स, टेस्टी भी, मजेदार भी और कम खर्चे में हमने ये सालन आपके लिए तैयार किया है। अब इसको हम गार्निश करेंगे व्यूअर्स नींबू से और अदरक से। ये जूलन शेप में हमने अदरक चॉप कर लिया था बारीक बारीक, ये हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा। इससे भी इसके टेस्ट में बहुत मजा आता है। और ये व्यूअर्स मेरे पास नींबू है, नींबू से हम इसको अच्छे से गार्निश करेंगे। तो नींबू डाल के खाने का तो अपना ही मजा है। और ये थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया व्यूअर्स, इसको भी हमने ऐसे बारीक चॉप कर लेना है। और ये हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे, खूबसूरती में इजाफा होगा, टेस्ट में इजाफा होगा और गजाई से भरपूर मजेदार सा हमारा ये पालक चिकन का सालन कंप्लीट तैयार है। खाएं मजे लें व्यूअर्स और मुझे अब इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।